सदगुरु जग्गी वासुदेव। सदगुरु जग्गी वासुदेव एक विश्व प्रसिद्ध रहस्यवादी और भारतीय मूल के योगी है। ईसा योग और ईसा फाउंडेशन की स्थापना के संस्थापक व बहुत प्रसिद्ध कवि थे। जीवन में उनका उद्देश्य लोगों की अपनी आध्यात्मिकता को प्रकट करने में मदद करना है। सदगुरु जग्गी वासुदेव की कई युग केंद्र है जो कि भारत के विभिन्न शहर और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित किए गए हैं। वह संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी विश्व शांति सम्मेलन का एक प्रतिनिधि था और यहाँ तक कि 2006 और 2007 में विश्व आर्थिक मंच में भी भाग लिया। गुरु के बारे में अधिक जानने के लिए इस सदगुरु जग्गी वासुदेव का जन्म मैसूर शहर में एक चिकित्सक पिता के घर हुआ। बचपन से ही वासुदेव दूसरों की तुलना में काफ़ी अलग थे। 13 साल की उम्र में उन्होंने श्री राघवेंद्र राव के मार्गदर्शन में प्राणायाम और आसन जैसे योग प्रथा शुरू की थी। उन्होंने कर्नाटक के मैसूर विश्वविद्यालय से स्नातक किया। जब वासुदेव 25 वर्ष के थे तो उन्होंने एक असामान्य घटना देखी जो उन्हें जीवन और भौतिक वस्तुओं और दूर ले गया और त्याग की ओर ले गया। एक दोपहर सतगुरु जग्गी वासुदेव चामुंडी पहाड़ियों पर चले गए और एक चट्टान पर बैठ गए। उनकी आंखें खुली थी। अचानक वह शरीर के अनुभव से बाहर निकल गए। उन्हें लगा कि वह अब अपने शरीर में नहीं है बल्कि हर जगह फैल गए हैं, चट्टानों में, पहाड़ों में, पृथ्वी पर। जब तक वह अपने होश में वापस आए पहले से ही शाम हो गई थी। उसके बाद के दिनों में वासुदेव ने एक बार फिर से स्थिति का अनुभव किया। कई बार जब भी उन्हें ऐसे अनुभव होते थे तब वह अकेले 3 या 4 दिनों के लिए भोजन और नींद त्याग देते थे। इस घटना ने पूरी तरह से उनके जीवन जीने का तरीका बदल दिया। जग्गी वासुदेव ने अपने पूरा जीवन अपने अनुभव को सजा करने के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया। 1992 में उन्होंने और उनके अनुयायियों ने ईसा योग केंद्र और आश्रम की स्थापना की। यह कोयम्बटूर के निकट पुंडी में पवित्र वेलियानिकारी पर्वत की तलहाटी पर स्थित है। यह केंद्र 50 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ एक विशाल 13 फीट ध्यान करने के लिए एक ध्यान मंदिर है। इस परिसर में एक बहुत धार्मिक मंदिर भी है जिसे 1999 में पूरा किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि धौना निगम में रोगों का अभाव होता है और अच्छाई और समृद्धि होती है। क्योंकि यह एक ध्यान केंद्र है इसलिए माना जाता है कि वह उन लोगों से ऊर्जा का जलाशय है जो यहाँ पर ध्यान करते हैं। लोग धौलिंगम के अंदर बैठ सके हैं और जितना चाहे उतना ध्यान कर सकते हैं। ईसा योग केंद्र ईसा फाउंडेशन द्वारा सदगुरु जग्गी वासुदेव द्वारा शुरू किया गया, जिसका संयुक्त राज्य में 3 योग केंद्र के अलावा 25 से ज़्यादा योग केंद्र, एक मेडिकल सेंटर और भारत में एक अनाथालय का संचालन कराती है। योगी सदगुरु जग्गी वासुदेवन सदगुरु जग्गी वासुदेवन एक विश्व प्रसिद्ध रहस्यवादी और भारतीय मूल के योगी है। ईसा योग और ईसा फाउंडेशन की स्थापना के संस्थापक व बहुत प्रसिद्ध कवि थे। जीवन में उनका उद्देश्य लोगों की अपनी आध्यात्मिकता को प्रकट करने में मदद करना है। सदगुरु जग्गी वासुदेव के कई योग केंद्र है जो कि भारत के विभिन्न शहर और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी स्थापित किए गए हैं। वह संयुक्त राष्ट्र सहसंबंधी विश्व शांति सम्मेलन का एक प्रतिनिधि था और यहाँ तक कि 2006 और 2007 में विश्व आर्थिक मंच में भी भाग लिया। सदगुरु जग्गी वासुदेव का जन्म 3 सितंबर 1957 को कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर में हुआ। उनके पिता वासुदेव एक डॉक्टर थे और माता का नाम सुशीला वासुदेव था। बचपन से ही वासुदेव दूसरे बालकों से अलग थे। उन्हें कुदरत से खूब लगाव था। अक्सर ऐसा होता था वे कुछ दिनों के लिए जंगल में गायब हो जाते थे, जहाँ वे पेड़ की ऊंची डाल पर बैठकर हवाओं का आनंद लेते और अनायास ही गहरे ध्यान में चले जाते थे। जब वे घर लौटे तो उनकी झोली सांपों से भरी होती थी जिनको पकड़ने में उन्हें मारा
रत हासिल है। 11 वर्ष की उम्र में जग्गी वासुदेवन ने योग का अभ्यास करना शुरू किया। इनके योग शिक्षक ये श्री राघवेंद्र राव जी ने मल्हारडीहल्ली स्वामी के नाम से जाना जाता है। मैसूर विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी भाषा में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। कि वासुदेव जी की शादी विजय कुमारी जी के साथ हुई। उनकी एक बेटी है जिसका नाम राधे जग्गी रखा गया है। सतगुरु जग्गी वासुदेव 25 वर्ष की उम्र में अनायास ही बड़े विचित्र रूप से गहन आत्मा अनुमुति हुई, जिसने उनके जीवन की दिशा को ही बदल दिया। एक दोपहर जग्गी वासुदेव मैसूर में चामुंडी पहाड़ियों पर चढ़े और एक चट्टान पर बैठ गए। तब उनकी आंखें पूरी खुली हुई थी। अचानक उन्हें शरीर से पार के अनुभव हुआ। उन्हें लगा कि वह अपने शरीर में नहीं है, बल्कि हर जगह फैल गए हैं, चट्टानों में, पेड़ों में, पृथ्वी में। जब तक वह अपने होश में वापस आए, उससे पहले से ही शाम हो गई थी। इसके बाद के दिनों में वासुदेव ने एक बार फिर से इसी स्थिति का अनुभव किया। वह अगले 3 या 4 दिनों के लिए भोजन और नींद त्याग देते थे। इस घटना ने पूरी तरह से उनके जीवन जीने का तरीका बदल दिया। जग्गी वासुदेव ने अपना पूरा जीवन अपने अनुभव को साझा करने के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया। 1983 में मैसूर में अपने 7 सहयोगियों के साथ उन्होंने अपनी पहली योग क्लास की शुरुआत की। कहा जाता है कि ध्वनि लंगिन में उपचारण शक्तियाँ होती है, जो मानव विकास और सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ध्यान केंद्र होने की वजह से ऐसा माना जाता है, ध्यान करने के बाद लोग में यहाँ अपार ऊर्जा आ जा सकती है। यहाँ पर ध्यान केंद्र में बैठकर लोग जितनी देर तक चाहे उतनी देर तक ध्यान लगाकर रह सकते हैं। समय के साथ साथ वे कर्नाटक और हैदराबाद में भी यात्राएं कर योग क्लास का आयोजन करने लगे। वे पूरी तरह से अपने पॉलिट्री फर्मा पर आश्रित थे और क्लास के लिए उन्होंने लोगों से पैसे लेना भी मना कर दिया। उनका उद्देश्य यही होता था कि वे सहयोगियों से आने वाले पैसों को क्लास के अंतिम दिन में स्थापना की चैरिटी करते थे। बाद में इन्हीं शुरुआती कार्यक्रम के आधार पर ईसा फाउंडेशन की रचना की गई। 1992 में गुरु और उनके अनुयायियों ने ईसा योग सेंटर और आश्रम की स्थापना भी की। यह आश्रम कोयंबटूर के पास पुंडी में वेल्लिकागिरी पहाड़ियों पर बना हुआ है। यह आश्रम तकरीबन 150 एकड़ के विशाल जमीन में फैला हुआ है, जिसके भीतर 13 फीट ऊंचे विशाल ध्वनि लिंग है। आश्रम परिसर में एक बहुत धार्मिक मंदिर भी है, जिसका निर्माण कार्य 1999 में पूरा हुआ। अत्यधिक विकास के लिए बनाया गया यह शक्तिशाली स्थान योग के 4 मुख्य मार्ग ज्ञान, कर्म, किया और भक्ति को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिसमर्पित है। सद्गुरु जग्गी वासुदेव के अनुसार यूनाइटेड स्टेट के योग सेंटर के अलावा दुनिया भर में उनके कुल 25 योग सेंटर है। जग्गी वासुदेव प्रोजेक्ट ग्री हैंड्स के भी स्थापक है। उनका मुख्य उद्देश्य तमिलनाडु में हर साल कम से कम 10% तक हरे पेड़ पौधों को बढ़ाना है और आज संस्था के 20 लाख स्वयंसेवक तकरीबन 27 मिलियन से भी ज़्यादा पौधों को रोपण कर चुके हैं। एक्शन फॉर रूरल रेजुवेशन ईसा फाउंडेशन की ही एक पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य गांव में रहने वाले गरीबों के स्वास्थ्य और उनके जीवन की गुणवत्ता को विकसित करना है। ERRR की स्थापना 2003 में की गई और दक्षिण भारत के गांव के 70 मिलियन लोगों को वे सुविधा पहुंचाना चाहते हैं। साथ ही भारतीय किसानों द्वारा सहन किया जा रही खेती संबंधी विविध समस्याओं का समाधान निकालने में ERRR कार्यरत है। ईसा विद्या ईसा फाउंडेशन द्वारा ही शिक्षा के क्षेत्र में चलाई जा रही एक योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत में शिक्षा के स्तर का विकास करना है। इस योजना के तहत उन्होंने 7,000 बच्चों का पढ़ाने वाली 7 ग्रामीण स्कूल को स्थापना की है। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की सहायता करने के लिए उन्होंने 512 सरकारी स्कूलों को दत्तक ले रखा है। 2017 में उनके योगदानों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया है।
2010 में भारत सरकार ने इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार देकर सम्मानित किया है।